सभी का एक्सपर्ट दया चैनल में स्वागत है। आज हम एक अलग इंटीग्रेशन की कैटेगरी लेने जा रहे हैं। लास्ट में मैं आपको उसका शॉर्टकट भी बताने वाला हूँ। तो इंटीग्रेशन का फॉर्म है इंटीग्रेशन ई रेस टू ए एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स और इंटीग्रेशन ई रेस टू ए एक्स इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। मैं क्या करने वाला हूँ, आपको ये जो इंटीग्रल है ये सॉल्व करके लास्ट में आंसर बताने वाला हूँ। ओके ना, आंसर लास्ट में आपको इंटीग्रल का शॉर्टकट भी बताने वाला हूँ। आपको सेम वे से इसे सॉल्व करना है, फिर आप इसका भी शॉर्टकट निकाल सकते हो। तो आपको इसे सॉल्व करके इसके फोटोज मुझे सेंड करने हैं, शॉर्टकट मुझे बताना है। तो यहाँ पे देखो, इसे मैं क्या बोलूंगा, आई बोलूंगा। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ पे क्या है, दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है। ये जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये साइन फंक्शन है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, लेट रूल का यूज करेंगे। क्या है हमारे पास लेट रूल, यानी कि पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा उसके बाद एक्सपोनेंशियल आएगा। तो ये आपका वी होगा एंड ये आपका यू होगा। तो आप अरेंज कर लोगे, क्या मिलेगा, साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी इंटू ई रेस टू ए एक्स इंटू डी एक्स। तो बायपास आपको पता है क्या है, बायपास इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। ओके ना, तो फिर इस रूल का हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। सो फर्स्ट एज इट इज रहेगा, साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी इंटू ई रेस टू ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस टू ए एक्स अपॉन इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना होता है, भूलना नहीं है आपको, माइनस इंटीग्रेशन में। अब इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव साइन ऑफ बी एक्स साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या है, कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी इंटू बी। ओके ना, बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव क्या आएगा, बी आप ही से गलती कर जाते हो। e रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, e रेस टू ए एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स। क्या करा मैंने, एक ही स्टेप में आंसर ले लिया। फर्स्ट एज इट इज इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे आ गया माइनस इंटीग्रेशन में, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे आ गया, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे आ गया इंटू डी एक्स। तो अब क्या होगा, साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी इंटू ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए माइनस ए बी अपॉन ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी इंटू ई रेस टू ए एक्स डी एक्स। तो अब क्या करेंगे हम, यहां से फिर से बायपार्ट्स का यूज करेंगे। ये कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये आपका यू होगा, ये आपका वी होगा अकॉर्डिंग टू लेट रूल। तो फिर क्या बनेगा, साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी इंटू ई रेस टू ए एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ मैं बायपास यूज करने वाला हूँ, इसके लिए यहाँ पे ब्रैकेट यूज की। तो क्या हुआ, फर्स्ट एज इट इज कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी एज इट इज इंटू ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए माइनस इंटीग्रेशन में कॉस ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी है कॉस का डेरिवेटिव, बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव क्या आएगा, बी इंटू ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स। तो ब्रैकेट कंप्लीट। सो सॉल्व करूंगा यहाँ पे, क्या मिलेगा मुझे, ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी माइनस बी ये ए क्या भी होगा, बी अपॉन ए स्क्वेयर इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी। पहले इसे लिखूंगा ई रेस टू ए एक्स इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी माइनस, माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। अच्छे से देखो, ये माइनस बाहर आ गया, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, फिर यहाँ पे माइनस है, क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए इंटू बी अपॉन ए, यानी कि बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या रह गया, साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी इंटू ई रेस टू ए एक्स डी एक्स। ब्रैकेट सॉल्व करके ली। तो यहाँ पे फिर से देखो क्या आ गया, साइन ऑफ
bx plus c into e raise to x dx, यानी कि फिर से क्या आ गया, i आ गया, तो इस जगह हम सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे फिर से by parts का यूज नहीं करना है, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको ओरिजिनल इंटीग्रल आपका रिप्लेस करना है, आपने इसे ही यहाँ से स्टार्ट किया था सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ सॉल्व करने के बाद फिर से वही स्टेप आ गई, तो आगे से सॉल्व नहीं करना है, क्या करना है, सिर्फ रिप्लेसमेंट देना है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, e raise to ax upon a into sine of bx plus c minus b upon a square e raise to ax cos of bx plus c minus b square upon a square into i, तो ये यहाँ आके क्या होगा plus, so i plus b square upon a square into i in is equal to e raise to x क्या है common, तो यहाँ पे क्या होगा साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर ई रेस टू एक्स को कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या रहेगा कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आई, सो क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल टू ई रेस टू ए एक्स, या ए स्क्वायर है या सिर्फ ए है, तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी माइनस बी कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी अपॉन क्या होगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसल, ए वाला जाके क्या होगा डिवाइड, तो सिंपली आपके आई की वैल्यू क्या आने वाली है ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट क्या है a sin of bx plus c minus b cos of bx plus c, यहाँ गया आपका आंसर, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे, एक्चुअली यहाँ पे हमने i लिया था तभी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करना चाहिए, तो यहाँ पे कैपिटल c आएगा, यहाँ पे कैपिटल c आएगा, यहाँ पे कैपिटल c आएगा, तो लास्ट में कैपिटल c आएगा, तो देखो इस टाइप के इंटीग्रल का आपका आंसर, ये आपका पूरा हो गया सोल्यूशन, तो आपका शॉर्टकट क्या आ गया, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको इसको ऑब्टेन करना है, क्या आ गया शॉर्टकट, अगर इस टाइप का इंटीग्रल होगा तो आपका आंसर क्या आएगा e raise to ax upon a square plus b square into a sin of bx plus c minus b cos of bx plus c, तो आ गया आपका आंसर, तो इस तरह से आपको शॉर्टकट का आंसर ऑब्टेन करना है, दूसरी कैटेगरी मैंने बताई आप इस तरह से सॉल्व कीजिए आपका शॉर्टकट आ जाएगा, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है ये भी देख लो, तो ये हो गया आपकी पूरी प्रोसेस, और प्रोसेस से मैंने आपको क्या दिया शॉर्टकट, तो चलो इस टाइप का प्रॉब्लम क्या होगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टू एक्स इन टू साइन ऑफ थ्री एक्स इन टू डी एक्स, ऑब्जर्व करो e रेस टू टू एक्स, तो a की जगह क्या आ गया 2 साइन ऑफ 3x, तो b की जगह क्या आ गया 3 x की, c की जगह क्या आ गया 0, लेने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर आपको पता है क्या आता है e रेस टू ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो e रेस टू x यानी e रेस टू 2x अपॉन a स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 9 यानी कि 13 इनटू 2 साइन ऑफ 3x माइनस 3 cos ऑफ 3x, ये आपका क्या आने वाला है आंसर, तो आप इसे क्या कर सकते हो बाय पार्ट से वेरीफाई भी कर सकते हो, तो मैं आपको यहाँ पे वेरीफाई भी करके दूंगा, तो आपको क्या करना है सेकेंड टाइप का शॉर्टकट ऑप्टेन करना है, और सेम टाइप में आपको क्या करना है e रेस टू 3x इनटू cos ऑफ 2x dx, इस प्रॉब्लम को भी आपको सॉल्व करना है होमवर्क में, तो मैं आपको ये इंटीग्रेशन आना चाहिए बाय शॉर्टकट, तो मैं बाय प्रोसेस आपको ये इवैल्यूएट करके दे रहा हूं, क्या है बाय पार्ट्स का यूज करेंगे, ये u होगा ये आपका v होगा, फर्स्ट एज इट इज रहेगा साइन ऑफ 3x, इसका इंटीग्रेशन e रेस टू 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन में इसका डेरिवेटिव cos ऑफ 3x इनटू 3 इनटू इसका इंटीग्रेशन e रेस टू 2x अपॉन 2 इनटू dx, क्या किया बाय पार्ट्स का रूल यूज किया, तो अब क्या होगा 2 सॉरी e रेस टू 2x अपॉन 2 इनटू साइन ऑफ 3x माइनस 3 बाय 2 बार आ गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 3x इनटू e रेस टू 2x dx, यहां से फिर से क्या करेंगे बाय पार्ट्स का यूज करेंगे,
सो ई रेस टू 2x अपॉन 2 इनटू साइन ऑफ 3x माइनस 3/2 यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया फर्स्ट एज इट इज कॉस ऑफ 3x इनटू इसका इंटीग्रेशन ई रेस टू 2x अपॉन 2 माइनस इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन ऑफ 3x इनटू 3 इसका डेरिवेटिव सॉरी इसका इंटीग्रेशन ई रेस टू 2x अपॉन 2 फिर इनटू dx तो ब्रैकेट को क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे क्या मिलेगा ई रेस टू 2x अपॉन 2 इनटू साइन ऑफ 3x माइनस 3 2 इनटू 2 क्या मिलेगा 4 ई रेस टू 2x इनटू कॉस ऑफ 3x माइनस माइनस क्या होगा प्लस इनटू माइनस माइनस 3 इनटू 3 9 2 इनटू 2 4 इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ गया साइन ऑफ 3x इनटू ई रेस टू 2x dx यहां पे फिर से क्या आ गया यही वैल्यू आ गई तो i आ गया रिप्लेस करेंगे i इज इक्वल टू यहां 4 है यहां 4 नहीं है तो ई रेस टू 2x अपॉन 4 कॉमन ले लिया यहां 2 था मैंने 4 कॉमन लिया तो क्या मिलेगा 2 sin 3x माइनस 3 cos 3x माइनस 9/4i यहां आके क्या होगा प्लस I plus 9/4i is equal to e raised to 2x upon 4 2 sin 3x minus 3 cos 3x plus constant of integration को add कर लेंगे तो 4 minus plus 9 यानी कि 13i upon 4 is equal to e raised to 2x upon 4 into 2 sin 3x minus 3 cos 3x plus c 4 4 कैंसिल होगा i वहां जाके डिवाइड होगा सो आपका आंसर क्या आएगा i इज इक्वल टू e रेस टू 2x अपॉन 13 2 sin 3x माइनस 3 cos 3x ये आपका आ गया आंसर यहां पे देखो मैच हो गया तो आप प्रोसेस से जाओगे तो भी आंसर वही आने वाला है अगर आप कैटेगरी को आइडेंटिफाई करोगे शॉर्टकट आपको पता होगा तो आप विद इन अ मिनट क्या कर सकते हो शॉर्टकट से आंसर निकाल सकते हो यहां पे मैंने पहले शॉर्टकट से आंसर निकाला था फिर बाय प्रोसेस से इसको वेरीफाई किया तो आपको सेकंड कैटेगरी का शॉर्टकट ऑब्टेन करना है और सेम कैटेगरी में आपको ये प्रॉब्लम क्या करना है सॉल्व करना है तो आपको ये शॉर्टकट एंड वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके थैंक यू वेरी मच